यार पीछे आ जाओ सब सभी आया राजू आ जाओ आया तुम लोग आए नमस्कार मैं शिवा कुमार मैनपुरी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीति में उबाल आता जा रहा है। एक अकेले अखिलेश यादव को हराने के लिए मैनपुरी ने अपनी पूरी मंडली लगा दी। आपको बता दें कि गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मैनपुरी में डेरा डालकर बैठे हुए हैं कि कैसे भी करके एक ही उद्देश्य है इनका कि अखिलेश यादव को कैसे भी हराया जाए। हालांकि आज अखिलेश यादव मैनपुरी में आ रहे हैं और मैनपुरी की चारों विधानसभाओं पर सभाएं करेंगे। मैं मैनपुरी की किसनी विधानसभा पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता इनसे बात करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं। अखिलेश यादव आज किसनी आ रहे हैं? मैनपुरी आ रहे हैं, फिलहाल चारों विधानसभाओं पर जाएंगे, सभाएं करेंगे और उसके बाद किसनी आएंगे, लास्ट में क्या कुछ तैयारियां हैं किसनी में? तैयारी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लगा है तैयारी बहुत जोरों से चल रही है और नए जो यूथ है उसमें इतना उत्साह है। आज चारों विधानसभा का चुनाव यहीं खत्म हो जाएगा, किसनी विधानसभा हम कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। क्या लगता है पूरे अगर जिले की बात करें तो किस हिसाब से बहुमत मिलेगा? चारों सीटें हम जीत रहे हैं, चारों सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अगले वो योगी आदित्यनाथ खुद, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो मैनपुरी में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है, एक तरफा चुनाव हो चुका है, सभी पे अखिलेश भैया सब पे भारी है। केशव प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में आए थे, उन्होंने ये कहा है कि पिछले अगर दो चरणों का मतदान देखा जाए तो अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ है। उन्हें डर सता रहा है, पहले उन्होंने MLC के चुनाव कराए थे, उन्हें पता था मेरी हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दिए हैं, उन्हें डर सता रहा है। हम बहुत बुरी तरह, हम कम से कम 350 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी को डर सता रहा है, इनके मुताबिक तकरीबन 350 से अधिक सीटें ये जीत रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे अखिलेश यादव आ रहे हैं आज? अखिलेश यादव चुनाव हो चुका है, मेरी जनता अपना मन बना चुकी है, अब अखिलेश यादव यूपी के नए युवा चेहरे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं है। अब भाजपा एक एक जिले को जहां 3-3 मुख्यमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक इस मैनपुरी के लिए अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है और उन्हें लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि देखने में आ रहा है कि मैनपुरी जिले में बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इनका षड्यंत्र है, इन्हें दिख गया है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, निश्चित मैं बच रहा हूँ। मैं 3-4 दिन से मैं यहाँ प्रभार किसनी का ले रखा हूँ, मैं 3-4 दिन से अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा हूँ दिशा निर्देश कि आप उलझिए नहीं, वो बराबर उलझने के चक्कर में है, कहीं भी कुछ नहीं रहा है, सिर्फ अब माहौल खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा इनका कहना है, ऐसा कुछ नहीं है, सपा वाले कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव आ रहे हैं आज? आज हमारे विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव हमारे यहाँ किसनी में आ रहे हैं और सही मायनों में ये अखिलेश यादव तो आज की महाभारत के अर्जुन है, कौरवों की सेना तो बहुत भारी है, ये अर्जुन है, ये अर्जुन जो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ ये कौरवों की सेना संविधान की भक्षक है और मेरा भैया अखिलेश यादव संविधान का रक्षक है, ये संविधान बचाने की लड़ाई के लिए आज अखिलेश यादव यहाँ से हुंकार भरेंगे और जनता ने तो मूड बना लिया है, जनता गांव गरीब मजदूर महिलाएं अल्पसंख्यक पिछड़े अंगड़े सब ने मन बना लिया है, अब की बार संविधान बचाने की लड़ाई में सबकी सहभागिता है और सब लगे हुए हैं और यहाँ से आज हमारे आदरणीय विकास पुरुष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हुंकार भरेंगे और लोग हम लोग तो आश्वस्त करते हैं भैया को यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी, किसनी की सीट तो 50,000 कम से कम और मैनपुरी की चारों सीटें एक तरफा, कोई मुकाबला नहीं। किसनी विधानसभा के पतारा में योगी आदित्यनाथ आए थे अभी 2 दिन पहले, उनका ये कहना है कि सपा की जो सरकार है वो तमंचावादी है, गुंडे हैं, माफिया भरे हैं, मैनपुरी की अगर बात करें तो वहां पर भी ऐसा है, इनकी ये बौखलाहट है, सच मायने में लुटेरे तो ये हैं जिन्होंने गरीब जनता के हकों पे डाका डाला है, महंगाई आप देख रहे हैं कहां तक है, चरम सीमा तोड़ गई है, ये हमको फिर पुनः भिखमंगा बनाने की साजिश है, ये एक मुट्ठी चना देके हमें पुनः भिखमंगा बनाने की साजिश है, जो हमारे पुरखों ने संघर्ष किया उसके बाद हमें जो वैधानिक अधिकार मिले, हम आज सम्मान से जी रहे हैं, समाज में हमें समानता के अधिकार मिले, लेकिन ये सामंतवादी सोच हमें पुनः उसी जगह पे ले जाने चाहती है जहां से हमारी पुस्तें संघर्ष करके यहां तक आई है, ये इनकी बौखलाहट है, एकदम बौखलाहट, आप देखते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, कहीं भी आप देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज स्वयं बताती है कि ये कहां पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव यानी कि 20 फरवरी को मैनपुरी में चुनाव है, चुनाव से पहले भी आए थे और अखिलेश यादव आज 17 फरवरी को आ रहे हैं और आज के बाद 18 फरवरी को फिर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी क्या कुछ करने वाली है जिले में?
कुछ नहीं होगा इस जिले में, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे परम श्रद्धेय माननीय नेताजी की कर्म भूमि है, यहाँ पे बीजेपी कुछ भी कर ले कुछ होने ही वाला नहीं है, बीजेपी के यहाँ कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ ये दिखाना चाहते, ये आएंगे इनके ही लोग कुर्सियां उछालेंगे फिर ये दिखाएंगे कि सपा के लोग घुसाएं, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा बना रहे है, प्रोपगंडा ही इनका सब कुछ है और कुछ नहीं, इनको कोई सहारा नहीं रहा है, ये अफवाहें फैलाएंगे, अच्छा झूठों की पार्टी है, ये सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाएंगे, इनके पास और कुछ सहारा ही नहीं है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल एकदम ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से और समाजवादी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता बड़ा सौम्यता के साथ बहुत सौम्य व्यवहार के साथ लगा हुआ है और ये प्रदेश में पूरे प्रदेश में किसनी विधानसभा मैनपुरी जनपद संदेश देगा, यह नेताजी की कर्म भूमि है, ऐतिहासिक संदेश देगा, यहाँ से हम सारी सीटें। अच्छा जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमेशा से कि जो सरकार है बीजेपी की वो उसकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और उसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी कानून व्यवस्था है क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाथरस की बेटी को दिन में जला दिया गया, रात में जिंदा जला दिया गया, पुष्पेंद्र यादव का दिन में इनकाउंटर कर दिया गया, कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, आप देख लीजिएगा इनके मंत्री बलात्कार में है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है, कानून व्यवस्था तो अच्छी है, आप देख लीजिएगा, कुलदीप सेंगर की घटना किसको याद नहीं है, समझे, अब इनकी कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है तो आप स्वयं देख सकते हैं ना, दलितों के साथ इन्होंने इतना उत्पीड़न किया है, इनकी कानून व्यवस्था वही है कि हमसे पुनः चबूतरे लिपवाना चाहते हैं, इनकी कानून व्यवस्था जो है हमें उस दिशा में ले जा रही है कि दलित पिछड़ पुनः हमारे चबूतरे लीपे, इनका वही संदेश है, इनकी कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है क्या हालत है प्रदेश की, क्या हालत है प्रदेश की, थाने में लोग कोई हत्या हो रही है थानों में, कानून व्यवस्था का नाम लेते हैं, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। तो ये समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, इनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था, जब हमने इनसे सवाल पूछा तो इनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है पुराने पैंतरे आजमा रही है और वही आजमाना चाह रही है, दलितों से सिर्फ अपने चौथरे लिपवाने का काम फिर से करेगी अगर सरकार बन जाएगी तो। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे आज अखिलेश यादव आ रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव को जनता देखने के लिए बेताब थी इसलिए आ रहे और उनका यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, चारों सीटें समाजवादी पार्टी अच्छी वोटों से जीते। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैनपुरी की जनता से? मैनपुरी की जनता से क्या कहना चाहेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे और अपील करने आएंगे, जनता तो पहले ही मूड बना चुकी है, जनता यही आशा हम भी करते कार्यकर्ता होने के नाते, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मैदान में है, उन सबका ये कहना है कि मैनपुरी की चारों सीटें और जसवंत नगर सहित वो जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्हें हार दिखाई दे रही और इसीलिए वो एसपी सिंह बघेल है या कोई भी नेता हो वो झूठे षड्यंत्र समाजवादियों पर मुकदमा लिखवा रहे हैं, सिर्फ झूठे और कोई कुछ नहीं। मैनपुरी में बीजेपी को हार दिखाई दे रही है, इन समर्थकों का कहना है और इसी वजह से बीजेपी प्रत्याशी अपने आप में एक षड्यंत्र लगाकर झूठे आरोपों में समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाना चाह रहे हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव किसनी में आएंगे और क्या कुछ होगा वो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ टीएस के लिए। कहानियां हैं ये बना रहे हैं,